अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही मजेदार सी चिकन 65 की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका नाम चिकन 65 क्यों पड़ा? कहा जाता है कि किसी होटल में मेन्यू कार्ड पर इस चिकन का नंबर 65 हुआ करता था और लोगों को बहुत पसंद आया करती थी ये चिकन। तो वो जब भी ऑर्डर करते थे तो कहते थे कि 65 नंबर पर जो चिकन है वो ले आइए। तो इस तरह से इसका नाम आहिस्ता आहिस्ता चिकन 65 पड़ गया। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकन 65 बनाने के लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और जो लोग न्यू आए हैं वो इसे सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। चिकन 65 बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और जिसे मैंने स्क्वायर स्क्वायर पीसेस में काट लिया है और इसे मैंने अच्छी तरीके से धो के छन्नी में डाल के इसका पूरा पानी खुश कर लिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक लिया है, 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और 1 ही टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 अंडा लिया है और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो कि तेज नहीं होती है। मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने भुनावा कुटावा जीरा लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी ले सकते हैं। अब इन सब चीजों को मैं चिकन में मैरिनेट करूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है और उसके बाद फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। यहाँ पे जो मैंने ये सारे आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो सारे इसमें मैंने डाल दिए, मैदा और कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया और अब इसमें मैं 1 अंडा तोड़कर भी डाल दूंगी। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इनको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है और अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। आप इसे चाहें तो आप मसाला लगा के ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो ये और मजे का हो जाएगा। यहाँ पर हमने अपना तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है और हमें इसको पहले बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर चिकन को डालना होगा। अगर हमने स्लो फ्लेम पर डाला तो इसकी कोटिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से निकल जाएगी। तो हम पहले यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ऑयल का है या नहीं है। जी बिल्कुल, हमें इस तरह से ही चाहिए था। तो अब हम एक एक करके इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे और इसको बिल्कुल भी इस वक्त नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये थोड़े से ब्राउन नहीं हो जाते हैं। अब यहाँ हमारी चिकन जो है वो एक साइड से देखिए पक चुकी है। तो अब हम जब इसको टर्न करेंगे तो हम अपने चूल्हे को जो है वो मीडियम पे कर देंगे। अब हमें इसको मीडियम पे पकाना है ताकि हमारी चिकन जो है वो अंदर तक से पक जाए बिल्कुल। अब ये देखिए हमारी चिकन जो है वो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, चलें अब हम इसके सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज अनियन ली है जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मुझे इसका टेस्ट पसंद है तो इसलिए मैंने इसे रखा है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस लिया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चिली पसंद नहीं है तो। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद जीरा लिया है। मैंने यहाँ पर 6 क्लोव्स जो हैं वो लहसुन के लिए हैं और इस तरह से मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया है और यहाँ पर मैंने ये 4 हरी मिर्चें ली जिसे बीच में से मैंने स्लिट कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है, ये जो कि तेज़ नहीं होती, ये वो वाली मैंने ली है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने जिंजर ली है जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया बारीक बारीक और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो कलर लिया है, रेड कलर है जिसकी वजह से ये चिकन बहुत अच्छी लगेगी तो इसको मैं पानी मिला के इसमें डालूंगी। चलिए आए अब हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पैन में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना है। और फिर इसमें मैंने यहाँ पर ये जो है ये लहसुन डाल दिए हैं इसमें। इस डिश की जो असल जो चीज़ है वो ये लहसुन और हमारे पास जो कड़ी पत्ता है, मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इसका यही है। देखें कि हमारा लहसुन थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगा है तो हमने फिर इसमें ही ये जीरा डाल दिया है। यहाँ पर हम अपनी जो मैंने प्याज चॉप करके रखी थी वो भी डाल दूंगी मैं इसमें। प्याज और लहसुन जो है अच्छी तरीके से सौते हो गए तो अब मैं यहाँ पर जो मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था वो भी डाल दूंगी और ये जो मैंने अदरक ली हुई थी चॉप की भी ये भी मैं इसमें डाल दूंगी।
अब इसी में जो मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते लिए जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं डाल दूंगी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये हरी मिर्चें भी डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से सौते करूंगी। अब यहाँ पर मैं ये कश्मीरी मिर्च जो मैंने ली थी पाउडर्स का वो भी डाल दूंगी, और यहाँ पर जो मैंने आधा टीस्पून नमक लिया था वो भी डाल दूंगी, वो टेबल स्पून जो है वो पानी के डालूंगी। अब हम इसी में ये हमने जो 2 टेबल स्पून अपना चिल्ली गार्लिक सॉस लिया था वो भी इसी में डाल देंगे। अब हम अपनी पूरी सारी चिकन जो है वो हम इसमें डाल देंगे। आप लोग ये चिकन इस तरह से भी खा सकते हैं, ये यूं भी बहुत मज़ेदार सी लगती है। और अब अच्छी तरीके से हमें इस मसाले में अपनी चिकन को मिक्स करना है, और बिल्कुल एंड में हमने इस कलर में पानी मिला के अब हम इसमें डाल देंगे ताकि इससे इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। हम इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब ये देखिए हमारा चिकन 65 बिल्कुल तैयार है, और अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी चूल्हा बंद करके। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चिकन 65 बिल्कुल तैयार है, और अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, अंदर से बिल्कुल पक चुकी है और बहुत ही जूसी है, और कड़ी पत्ता और हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने जब ये बनाई तो आप लोगों की ये कैसी बनी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।